मैं डॉक्टर हितेश पॉलस, इलेक्ट्रो होम्योपैथ, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ के इस चैनल में। और आज इलेक्ट्रो होम्योपैथ के 114 प्लांट की सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं तुलसी लेगो फारफेरा की। ये एक छोटा सा प्लांट यूरोप में, इंडिया में, तराई वाले इलाके में, पहाड़ी वाले इलाके में मिलता है। एक छोटा सा प्लांट है और जिसकी फ्लावर्स यानी कि फूल और पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इसका रूट्स का भी प्रयोग किया जाता है और इसमें विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसका बेहतरीन फायदा, यदि आपको कैटरा होता है, नाक बह रही है, तो उस वक्त भी ये बहुत बेहतरीन काम करता है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये सेलुलर लेवल पर भी अच्छा काम करता है दोस्तों, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो दो तरह की सेल हमारे शरीर में, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और वैसे भी हमारी मेटी जी ने एक बात कही है, यदि आपका ब्लड और लिम्फ प्योरीफाई कर दें तो शरीर में कोई भी बीमारियां आ ही नहीं सकती हैं। तो यहां क्या होता है, जब भी कोई आपके शरीर में इंफेक्शन होता है तो ये जो सेल्स हैं मेमोराइज कर लेती हैं, अपनी मेमोरी में डाल लेती हैं कि इस तरह का इंफेक्शन आया, इसके साथ हमने इस तरीके से फाइट किया। और जब दोबारा से ये इंफेक्शन आता है तो उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती हैं और जिससे उस वायरस को ये खत्म कर देती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये पौधा हमारी इम्यूनिटी सेल को स्टिमुलेट करता है, हमारी इम्यूनिटी सेल को बढ़ाता है। और इसीलिए इसको हम इंटरकरंट रेमेडी के नाम से भी जानते हैं और ये एक ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी जाना जाता है। और हमें एक चीज तो पता ही है दोस्तों कि ये जो ब्लड प्योरीफाई होने के लिए कहाँ जाएगा, ब्लड प्योरीफाई होने के लिए लंग्स में जाएगा। अब लंग्स में जाएगा तो हम इसे एक बेहतरीन लंग्स रेमेडी के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और ये बेहतरीन लंग्स की रेमेडी है और कफ रेमेडी के रूप में भी ये बेहतर साबित होता है। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस की स्थिति में जब हमें जब ड्राई कफ हो जाता है, उस ड्राई कफ को भी बाहर निकालने में ये पौधा बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अंदर ये सारी कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको एक्सपेक्टोरेंट टॉनिक के रूप में भी जाना जाता है। और नेक रीजन पर जो स्क्रोफलस ग्लैंड्स होती हैं उनकी स्वेलिंग में और उनकी जब एनलार्जमेंट हो जाती है तो उनको भी ठीक करने में ये बड़ा हेल्पफुल होता है, सहायक होता है। यदि हम मेल ऑर्गन्स की बात करें तो गोनोरिया के केस में यूरेथ्रा के अंदर जब हमें कुछ चलने का एहसास होता है, कुछ पीला थिक जो डिस्चार्ज है वो उसमें से निकलता हुआ महसूस होता है यूरिनेशन के दौरान, तो उस स्थिति पर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसे हम पाइलोरस की कंडीशन में भी आप देखिए, पाइलोरस पार्ट में जब कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और कुछ जो बीमारियां होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती रहती हैं, जैसे सोराइसिस हो गया, फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, मेनोरेजिया हो गया, डिसमेनोरिया हो गया, इन स्थिति में भी ये पौधा तुलसी लेगो फारफेरा बहुत बेहतर तरीके से काम करता है दोस्तों। तो इस चीज में कोई भी संदेह नहीं है कि ये हर तरीके से हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। दूसरा, इसमें विटामिन सी और जिंक भरपूर मात्रा में होता है और इस पौधे को हम एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी दर्जा देते हैं, जो हमें गाउट्स की कंडीशन है, आर्थराइटिस की कंडीशन है, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और टेस्टिस रीजन की बात करें, मेल के टेस्टिस रीजन में, स्पर्मेटिक कोर्ड में यदि कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उस पर भी ये पौधा बेहतर तरीके से काम करेगा। तो आप जान लीजिए कि जो पाइलोरस कंडीशन होती है जहाँ हमें यूरिनेशन के दौरान थिक डिस्चार्ज आना महसूस होता है, तो पाइलोरस का एक पार्ट स्टमक के साथ जुड़ा होता है और एक पार्ट ड्यूडेनियम के साथ जुड़ा होता है, तो इस स्थिति में ये पौधा बेहतरीन तरीके से काम करता है। दूसरा, इस पौधे को एक चाय के तौर पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कैमोमाइल टी आती है उसी तरीके से तुलसी लेगो फारफेरा की को भी हम एक चाय के रूप में यदि इस्तेमाल करेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी हमारे शरीर में काम करेगा दोस्तों। तो ये सारी जो बेहतरीन इन्फॉर्मेशन है और इस तरह से संबंधित आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप
स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और 100% आपको क्योर करते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथ हमेशा 100% क्योर करता है आपको बीमारियों से। ऐसी ऐसी बीमारियां जब दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो हाथ खड़ा कर देते हैं, एलोपैथ के जो मेरे दोस्त हैं यदि वो हाथ खड़ा कर देते हैं, उन बीमारियों में इलेक्ट्रो होम्योपैथ एक रामबाण के रूप में सिद्ध होती है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए नमस्कार, शब्बक है।